लखनऊ में महापौर सुषमा सर्गवाल के आदेश अनुसार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने एवं स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को प्रथम स्थान लाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत हाल ही में साफ सफाई व्यवस्था और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से चेन्नई की कंपनी राम MSW प्राइवेट लिमिटेड फर्म का चयन किया गया और जिसके द्वारा कार्य की शुरुआत जोनों के द्वारा महापौर जी की उपस्थिति में की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय हम लखनऊ के मेयर सुषमा खड़कवाल जी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, साफ सफाई हो चाहे नगर निगम टैक्स को लेके हो, और अभी नगर निगम में सदन में नई कंपनी साफ सफाई के लिए आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ मेयर सुषमा खड़कवाल जी हैं। आइए इनसे जानते हैं, ये जो नई कंपनी आई है साफ सफाई के लिए, ये कैसे काम कर रही है और कहाँ काम कर रही है और क्या कुछ इसके बारे में अपडेट। सबसे पहले तो मैं लखनऊ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नई कंपनी रेमकी आई है और रेमकी डोर टू डोर सेकेंडरी और नाली सड़क सारा काम करेगी। इस समय लखनऊ में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी कहीं पे लोगों की शिकायतें हैं और मार्च चल रहा है, टैक्स को लेकर भी बड़ी बड़े कंपनियां हैं जहां से रिकवरी नहीं हो पा रही। इस पर कैसे आपके नगर निगम देखिए, के अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? टैक्स देना बहुत जरूरी है, टैक्स के साथ साथ विकास भी हुआ शहर का। आप विकास चाहते हैं तो आप टैक्स दीजिए। लखनऊ में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो ट्रैफिक को लेकर है। बहुत ज्यादा लखनऊ के अंदर ट्रैफिक है, जहां तक फुटपाथ को भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस पर आपके लिए क्या कोई नई योजना है या किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक का संचालन तो पुलिस करती है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, नगर निगम की नहीं है कि आप व्यवस्थित रखें। फुटपाथ के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को हटाया जाएगा। फुटपाथ पर ऐसे कब्जे हैं, बकायदा ठेले लगे हैं, और पत्रकारों ने जब जानकारी करी तो उन्होंने ये बताया कि पैसे लेके बकायदा टोकन दिया जा रहा है, कुछ ऐसी जानकारी क्या है? कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता है, अगर कोई पैसा लेता है तो मुझे बताइए, मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया कि किसी ने पैसा लिया है। अभी आपने देखा होगा ऐश बाग में जल संस्थान के लोगों ने सड़क लीकेज थी उसके ऊपर सड़क बना दी जो कि पेपर में छपा था। इस तरह के कृत्य वगैरह होते रहते हैं, चाहे और ऐश बाग में नहीं, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, हैवी हैवी गड्ढे हैं रोड पे, जो भी गाड़ी का पहिया जाता है लोग गिर जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इनको कैसे आप लोग? देखिए 1800 तो रोड़े बनाई हैं, पैच मशीन भी लेके आए हैं, जो शहर में जहाँ पे पैच है वो काम किया जा रहा है। जो लीकेज था उसके ऊपर सड़क बनी थी, मेरे संज्ञान में पेपर द्वारा आया था, मैंने तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था, शायद उसने दोबारा वो सड़क बनाई। भविष्य में नगर निगम के लोग गलतियां ना करें, जैसे साफ सफाई की वैसे मैंने अभी बात करी, संडे को आपने कहा सफाई होती, पर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां संडे को सफाई नहीं हो रही, इस पर आपका क्या? नहीं, हर वार्डों में होती है। लखनऊ के जोन 2 में संडे को सफाई नहीं होती है, इस पर क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। पत्रकारों के माध्यम से आपको ये शिकायत करी जा रही है, इस पर क्या अपडेट होगा? मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, आपने कहा है तो मैं अभी जोनल अधिकारी से बात करूंगी क्या ये ऐसा होता है। एक बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, आपका होली भी आ गया है, मोहर्रम भी चल रहा है, चुनाव भी आ गए हैं, लोग क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने कार्यालय से? मैंने होली की बहुत बहुत बधाई पूरे लखनऊ वासियों को, होली एक पवित्र रमजान महीना। हाँ, रमजान की भी बहुत बहुत बधाई। हम लोग अपने त्योहार को सद्भावना पूर्वक मनाएं। लोकसभा के चुनाव भी हैं और कितने वोटर से इस बार हार जीत का मुकाबला है, ये आप बताइए, आप मेयर हैं लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ा मार्जिन होगा, बहुत बड़ा, जो कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्या 400 के पार? पार 400 के पार। तो हमारे साथ हैं सुषमा खड़कवाल जी, 400 के पार इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐलान है। साफ सफाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो बताया उन्होंने कि जहां साफ सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है उसके लिए आपके माध्यम से मैं जड़ों से प्रभारी से बात करूंगी। इंटरलॉकिंग की बात हो, सीवर समस्या हो, उन्होंने बताया कि काम चल रहा है, जहां जहां शिकायतें आ रही हैं मैं खुद अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर फील्ड पर जाके ऐसी व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अजमी अलवी के साथ मैं सौरभ पांडे, टीवी भारती समाचार। देखते रहिए
टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।